तो कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। आज हम लोग कार्य ऊर्जा शक्ति पढ़ेंगे, है ना। नाम है मेरा मनीष राज, MR सर, याद रखना भैया। देखो इधर, कार्य ऊर्जा शक्ति। कार्य ऊर्जा शक्ति एक ऐसा चैप्टर है जो थोड़ा थ्योरेटिकल है, कंसेप्चुअल है, लेकिन इंटरेस्टिंग है। ये काइनेमेटिक्स और NLM के बाद आता है ना, गतिकी के बाद आता है ये चैप्टर। और ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि इस चैप्टर में जो भी हम थ्योरम और भौतिक राशि के बीच में संबंध पढ़ते हैं, ये आगे आने वाले 11th ही नहीं 12th के हर चैप्टर में यूज होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये कार्य ऊर्जा शक्ति एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम लूज नहीं पढ़ सकते। मैं समझाने में जान लगा दूंगा और तुम्हें समझने में जान लगा देना है। तुम बोल रहे हो कि समझ रहे हो कि सर आगे आने वाले तो कई चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं, इसका यूज हुआ था क्या? अरे बहुत हुआ था भैया, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं हुआ था, अगर पढ़ोगे आगे चल के। तो कार्य ऊर्जा शक्ति में हम लोग सबसे पहले कार्य के बारे में पढ़ेंगे, फिर ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, फिर शक्ति पढ़ेंगे, फिर कार्य और ऊर्जा के बीच में संबंध पढ़ेंगे, ऊर्जा और शक्ति के बीच में संबंध पढ़ेंगे, ऊर्जा का प्रकार पढ़ेंगे, ऊर्जा का प्रगुण पढ़ेंगे। ये सारी चीजें जो हैं आगे आने वाले कई चैप्टरों में लगातार प्रयोग में लाया जाएगा। तो इसके चैप्टर के थ्योरम आप अगर अच्छे से नहीं समझ सकते हैं तो आगे आने वाले चैप्टर नहीं पढ़ पाएंगे। क्लियर बात है? चल तो स्टार्ट करते हैं साहब कार्य ऊर्जा शक्ति। तो कार्य ऊर्जा शक्ति में सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको स्टार्ट करने से पहले बल के बारे में आपको समझाना चाहूंगा। साहब ये बल क्या होता है, ये बल का है? तो मान लो कि मैं इस मार्कर पे 10 न्यूटन का बल लगाता हूं। एग्जांपल बता रहा हूं, मार्कर पे या किसी ऑब्जेक्ट पे, या तुम्हें खींच के 10 न्यूटन का थप्पड़ मार दिया। अब 10 न्यूटन का इस पे फोर्स लगाने से, बल लगाने से 10 न्यूटन का थप्पड़ मैं तुम्हें मारूं, तो इस 10 न्यूटन का तुम पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आप बता सकते हो क्या? या इस वस्तु पे 10 न्यूटन का बल लगाऊं तो इस वस्तु पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आप बता सकते हैं क्या? नहीं सर। क्यों नहीं? 10 न्यूटन का थप्पड़ मारोगे तुम्हें चोट लगेगा, कितना चोट लगेगा और उसका एक्चुअल में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आप नहीं बता सकते। और इस बात का फील मैं एक लाइन में आपको दिला दूंगा कि मैंने तुम्हें 10 न्यूटन से थप्पड़ मारा, अब तुम्हारा क्या होगा ये तुम इसलिए नहीं बता सकते कि मैंने तुमको कितनी देर तक मारा, बताया नहीं। मैंने बोला 10 न्यूटन से थप्पड़ मार रहा हूं मैं, और 4 घंटे तक मारता ही जा रहा हूं, 2 घंटे तक मारता जा रहा हूं, या एक ही बार थप्पड़ मारूंगा, इन सब में फर्क है ना। तो जब भी किसी वस्तु पे बल लगता है तो उसके साथ दो भौतिक राशि एसोसिएटेड होती है, मतलब उसके साथ परिवर्तित होती है, उसके साथ परिभाषित होती है। और जब तक उस दो भौतिक राशि के बीच बारे में आपको ना बताया गया तब तक आप बल का प्रभाव नहीं बता सकते। वो दो भौतिक राशि कौन सा है? तो एक तो आपको बताया मैंने अभी, कितनी देर तक समय और कितनी दूर तक एक वस्तु पे बल लगा रहा हूं, और कितनी दूर तक उस पे बल लगाता रहा मैं, कितनी दूर तक, है ना, विस्थापन। तो ये दो चीजें बल के साथ परिभाषित होती है, और बल का वस्तु पर प्रभाव क्या पड़ेगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि मैंने कितना बल लगाया है और कितनी देर तक लगाया, कितनी देर तक बल लगाए रखा मैंने, कितना बल लगाया है और कितनी दूर तक लगाए रखा, कहां तक बल लगाए घसीटते हुए लेता जा रहा हूं, समझ में आया कि नहीं है? तो देखो कितना बल लगाया F, कितनी देर तक लगाया कुछ डेल्टा टी समय अंतराल तक लगाया, तो ये संवेग में परिवर्तन को परिभाषित करता है, ये संवेग में परिवर्तन को परिभाषित करता है। कितना बल लगाया F, कितनी दूर तक लगाया डेल्टा S, ये कार्य को परिभाषित करता है। ओहो, कितना बल कितना दूर संवेग को परिभाषित करता है, कितना बल और कितनी दूर तक बल लगाता रहा वो कार्य को परिभाषित करेगा। तो यहां से एक चीज आप समझिए कि अगर मेरे से बल दे दे, किसी वस्तु पे बल दे दे और समय दे दे और पूछे कार्य बताओ, तो कार्य निकालना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बल और समय से कार्य नहीं निकाला जा सकता। हाँ, बल और समय से संवेग में परिवर्तन निकाल सकता हूं, हाँ संवेग में परिवर्तन निकाल के फिर किसी तरीके से कार्य निकालू तो चलेगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। लेकिन बल और विस्थापन दिया हुआ है तो कार्य डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अच्छा, बल और विस्थापन दिया हुआ है, संवेग में परिवर्तन पूछा है तो डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। तो याद रखना है कितना बल कितना दूर तक, तो संवेग परिभाषित करेगा, कितना बल और कितने समय तक, ये कार्य परिभाषित करेगा। क्लियर है ये बात? अब ये जो काम है, कार्य है, डेली लाइफ में जो कार्य का भौतिक मतलब होता है, फिजिक्स में कार्य का उसका अलग मतलब है। जैसे मान लो मैं इस बोर्ड पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाए रखा हूं,
चार दिन तक इधर पे फोर्स लगाए रखा, चार दिन तक लगातार इस पे फोर्स लगा रहा हूं मैं, मैंने कितना कार्य किया। तुम्हें लग रहा हो ना कि सर आप कार्य तो कर रहे हो, लगातार बल लगा रहे हो, इसको होल्ड करके रखा हुआ आपने, लेकिन फिजिक्स कहता है कि आपने कार्य किया ही नहीं। क्यों नहीं किया? तो फिजिक्स की भाषा में, भौतिक की भाषा में सबसे पहले हम पढ़ेंगे नियत बल द्वारा कार्य। और साहब नियत बल द्वारा जो कार्य परिभाषित होता है वर्क बराबर वो होता है एफ डॉट एस, कितना बल लगाया और कितना वस्तु का विस्थापन हुआ, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कार्य परिभाषित होता है। अब अगर डॉट प्रोडक्ट हटा दे तो आप जानते हैं ये हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा। अब इसमें डॉट प्रोडक्ट ही क्यों लिया है, क्रॉस क्यों नहीं लिया, या आप कहें कि डॉट प्रोडक्ट क्यों लिया, सीधा एफ और एस मल्टीप्लाई कर देगा तो भी हो जाएगा, तो नहीं होगा। इस बात को महसूस करने के लिए मैं यहां पे एक एफबीडी बनाता हूं। मान लीजिए एम द्रव्यमान का एक वस्तु है, घर्षण इन सतह है, घर्षण नहीं है सर, और ये वस्तु वी वेलोसिटी से चल रहा है, इसका कुछ विस्थापन एस यहां तक हुआ। क्या हुआ बेटा? कुछ विस्थापन एस हुआ। अगर मैं इसी वस्तु पर बल लगाऊं एफ, क्या लगाऊं बेटा? बल लगाऊं, कितना बल लगाया? एफ बल लगाया। इसी वस्तु पर अगर मैं F बल लगा के इसको नीचे कंप्रेस करूं तो वस्तु पे बल लगा, हाँ ये F लगा, वस्तु का विस्थापन हुआ, हाँ देखो ना विस्थापन हुआ, वस्तु यहां से भागता हुआ चलता हुआ चलता हुआ चलता हुआ चलता हुआ यहां पहुंच रहा है, वस्तु का विस्थापन भी हुआ, इसी वस्तु का ही देखो विस्थापन। अब बताइए कार्य कितना हुआ? जीरो। कार्य जीरो क्यों हुआ? बस बल भी लग रहा है, वस्तु विस्थापित भी हो रहा है, तो कार्य जीरो क्यों हुआ? क्योंकि आपने एनएलएम में और मोशन इन अ प्लेन में दोनों में पढ़ा है, अगर मैं वाई एक्सिस पे बल लगाता हूं तो वाई एक्सिस के बल का एक्स एक्सिस में गति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक वस्तु एक्स में चल रहा है और मैं बल वाई में लगा रहा हूं तो उस बल का फर्क वाई में पड़ेगा, पर वाई में इसका विस्थापन है ही नहीं, एक्स में विस्थापन है। तो सिंपल सी बात है, वाई का बल और एक्स का विस्थापन कार्य परिभाषित नहीं करेगा, जीरो कार्य हो जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट से एफ डॉट एस क्यों लिखा? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का मतलब ही होता है कि F का घटक S की तरफ और S से गुना कर दो। ये देखो, अगर मान लो यहां पे इधर तेरा बल लग रहा होता किधर, इधर XY प्लेन में, और इधर तेरा विस्थापन होता, ये कोण होता तेरा थीटा, तो बल का दो घटक आएगा, एक आएगा X में F cos थीटा और एक आएगा Y में F sin थीटा। F sin थीटा, ये वर्क जीरो कटाओ, यहां से हटाओ, यहां पे लिखो वर्क जीरो। क्यों हुआ? कारण तुम्हें समझा रहा हूं मैं अभी। Y दिशा में जो बल लगा है, इस बल का दो घटक होगा Y का और X का, Y का जो बल लगा है, Y के बल की वजह से X में विस्थापन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, X के मोशन पे Y का बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, X के मोशन में Y के बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर X में विस्थापन हुआ है तो उसके विस्थापन में किसका प्रभाव हो सकता है? X के बल का प्रभाव होगा, और X का बल है तेरा F cos थीटा। तो तुमने करा क्या है? इस F का घटक लिया है S की तरफ, डॉट प्रोडक्ट तो सिखाता है कि F और S के बीच में अगर एंगल थीटा है, F और S के बीच में अगर एंगल थीटा है, तो F का घटक S की तरफ लेंगे तो F cos थीटा होगा, F cos थीटा होगा। अब कार्य क्या होगा? कार्य होगा F cos थीटा into S। ओहो, मतलब आप ये कह रहे हो कि F का घटक लेना है असल में। cos थीटा भी कोई बड़ी बात नहीं, cos थीटा है, sin थीटा ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि वर्क निकालने के लिए x का बल तो x का विस्थापन देखेंगे, y का बल तो y का विस्थापन देखेंगे। आप यहां पे घर कह सकते हैं f का घटक s के दिशा में इंटू s, इंटू s। अच्छा, इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं सर, अगर मान लो s cos थीटा, तो ये भी तो कह सकते हैं f इंटू s का घटक f के दिशा में, एक ही बात है, एक ही बात है। S का दो घटक लोगे, इधर आएगा F की तरफ S cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर आएगा sin थीटा, तो विस्थापन F की तरफ ले लो, तो S cos थीटा into F, S cos थीटा into F, तो कार्य तो वही परिभाषित हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? कार्य क्या होता है? कार्य होता है F और बल तथा विस्थापन का डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है? किसका डॉट प्रोडक्ट ले रहा है? F और S का। इसका मतलब F का घटक S की तरफ ले लो और S से गुना कर दो, या S का घटक F की तरफ ले लो, S का घटक F की तरफ ले लो और F से गुना कर दो। ये रिलेशन होगा। क्या आपको अच्छे से समझ आया ये बात? स्क्रीन पॉज करके साहब ये लिखिए, डेफिनेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी सी बात पहले। स्क्रीन पॉज करके, स्क्रीन पॉज करके लिखिए बेटा और गाने सुनिए एकदम।
हंसदाना बंद करो, आगे पढ़ो। चलो देखो, वर्क अगर मैंने लिखा है f वेक्टर डॉट s वेक्टर, तो इसका डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूं मैं, तो किसी भी दो सदिश का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो उससे जो रिजल्ट आता है वो अदिश होता है। मतलब ये जो कार्य होगा जो आप लिख रहे हो एफ एस कॉस थीटा, ये एक अदिश भौतिक राशि है। क्या है? अदिश भौतिक राशि। इसका इकाई क्या होगा? इसका इकाई होगा, बल का इकाई होता है न्यूटन और विस्थापन का होता है मीटर, न्यूटन मीटर। ये तो हो गया एसआई। सीजीएस क्या होगा? सीजीएस बल का होता है डाइन इंटू सेंटीमीटर, डाइन इंटू सेंटीमीटर कार्य का सीजीएस इकाई। ठीक है ना? अब इंपॉर्टेंट बात, कार्य निर्देश तंत्र पे निर्भर करता है। निर्भर करता है इसका क्या मतलब है कि कार्य निर्देश तंत्र पे निर्भर करता है? क्योंकि वस्तु का बल जो होता है ना वो निर्देश तंत्र पे निर्भर नहीं करता, लेकिन विस्थापन निर्देश तंत्र पे निर्भर करता है। जैसे एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना आपने, मान लीजिए लिफ्ट है। लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है और लिफ्ट के अंदर एक हमने रख दिया ब्लॉक एम मास का, और आपसे पूछा कि बताइए इस पे लगने वाला विलंब बल इस वस्तु पर कितना कार्य करेगा। तो विलंब बल जो लिफ्ट का बेस है कॉन्टैक्ट की वजह से ऊपर लगेगा, ठीक है ना? तो बाहर बैठा हुआ आदमी तो देख रहा है कि संपर्क सतह है तो ऊपर अविलंब बल लगेगा, और वस्तु का विस्थापन भी ऊपर हो रहा है। क्यों? क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रहा है, लिफ्ट में वस्तु रखा हुआ तो वस्तु ऊपर जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आदमी अंदर बैठा है, ये रामलाल अंदर बैठने का शौक रामलाल को है ना, बाहर बैठा हुआ है कौन है रामलाल इस बोल उसको, तो वर्क डन बाय नॉर्मल डब्ल्यू एन, इस नीचे एन लिखने का मतलब क्या है? वर्क डन बाई नॉर्मल इज इक्वल टू जीरो लिफ्ट के रिस्पेक्ट, लिफ्ट के सापेक्ष। क्यों? क्योंकि लिफ्ट में बैठा आदमी भी देखेगा कि नॉर्मल लग रहा है, लेकिन लिफ्ट में जो आदमी बैठा है उसके सापेक्ष ये वस्तु का विस्थापन जीरो। तो कार्य निकालने के लिए चाहिए आपको कितना बल और कितने दूर तक वो बल लग रहा है। तो यहाँ पे आदमी देख रहा है कि बल तो लग रहा है, लेकिन जहां पे बल लग रहा है उस पॉइंट का विस्थापन नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कार्य निर्देश तंत्र पर निर्भर करता है। अब यही यहां पे देखा जाए, वर्क डन बाय नॉर्मल फ्रॉम ग्राउंड इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ग्राउंड के सापेक्ष नॉर्मल लग रहा है और ग्राउंड के सापेक्ष वस्तु के ऊपर विस्थापित होकर गया है। आपको अच्छे समझ आए ये बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों इलस्ट्रेशन भी लिख लेंगे। नेक्स्ट, किसी एक बल का कार्य उस पर लगने वाले, किसी एक बल का कार्य उस पर लगने वाले अन्य बल पर निर्भर नहीं करता। निर्भर नहीं करता, यह क्या समझाना चाह रहे थे? किसी एक बल पर, सॉरी, किसी एक बल का कार्य, किसी एक बल द्वारा कार्य उस स्थिति पर वस्तु पर लग रहे अन्य बल पर निर्भर नहीं करता। अगर उस स्थिति पे वस्तु पर दूसरा कोई बल लग रहा है तो भी उस बल लगने वाले बल पर निर्भर नहीं करता है। एक बल का कार्य उस बल का मान और वस्तु का विस्थापन जो एस है वो निकाले, और वो भी वस्तु का विस्थापन होता है या नहीं होता है ये बोलना ठीक नहीं है, बाद में मैं अभी पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। एस असल में क्या होता है वो समझाऊंगा, लेकिन अभी तक तुम वस्तु का विस्थापन मान के समझने की कोशिश करो कि अगर यहाँ पे मान लो कि एक वस्तु है, अब इस पे मैंने एफ फोर्स लगाया, वस्तु एम द्रव्यमान का है तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स एमजी नीचे लगेगा, नॉर्मल ऊपर लगेगा और घर्षण पीछे लगेगा। अगर मैं तुमसे पूछूं ना कि मुझे घर्षण का वक्र बताओ, यहाँ पे लिख लेना एग्जांपल, ये फोटो बना के, कि अगर यदि मैं घर्षण का कार्य निकाल रहा हूं तो घर्षण का बल और इस वस्तु का जहां पे घर्षण बल लग रहा है उसका विस्थापन अपन देख ले बस। अब ये नॉर्मल कितना लग रहा है, एमजी कितना लग रहा है, एफ कितना लग रहा है, इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है। क्या ये बात समझ में आया अच्छे से? स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए, स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए, ठीक है बेटा। आगे देखिए, ये जो कार्य का सूत्र है, कार्य W बराबर
एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर या हर प्रकार के गति के लिए वैध है, गति के लिए वैध है, हर प्रकार के गति के लिए वैध। मतलब जैसे तुम जानते हो ना कि बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, जैसे गति का समीकरण, ये नियत त्वरण के लिए वैध होता है। अगर परिवर्तित त्वरण हो गया, परिवर्तित बल हो गया, तो वैध नहीं होगा। लेकिन यहां पे बड़ा खास बात है साहब, ये जो कार्य है ना, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस का फॉर्मूला, ये नियत बल द्वारा कार्य है। मतलब बल तो नियत लगना चाहिए कोई एक, दूसरा परिवर्तित बल है, हमें दूसरे बल से कोई मतलब ही नहीं है। किसी एक बल द्वारा जब मैं कार्य निकाल रहा किसी वस्तु पर, तो उस वस्तु पर अन्य लगने वाले बल से मुझे कोई मतलब नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, वस्तु का गति कैसा हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर वस्तु पर नियत बल लग रहा है और वस्तु का कुछ विस्थापन है, तो अपन ये कार्य लिख देंगे। क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आगे देखो समझ के चलो। यदि बल विस्थापन दिया है तो कार्य वस्तु के द्रव्यमान तथा समय पर निर्भर नहीं करता। पहले हम लोग कार्य को बहुत अच्छे से समझेंगे, पहले फील आ जाए कार्य का। देखो, जैसे मान लो, एकदम फील के साथ बन लो आज, एक द्रव्यमान है m वस्तु, m द्रव्यमान का वस्तु है, उस पे मैं बल लगा रहा हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। एक दूसरा वस्तु और है जो थोड़ा भारी है, इसका द्रव्यमान है 2F, इस पे भी मैं बल लगा रहा हूँ, इस पे भी साफ बल लगा रहा हूँ मैं, और इस F बल द्वारा दोनों को खींच 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 के यहां ले आया, और इसको भी खींच 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 के यहां ले आया। दोनों का विस्थापन है। अब तुम ईमानदारी से सोच के बताओ कि m द्रव्यमान की वस्तु को एक बल लगा के मैं खींच यहां से यहां तक लाऊंगा, और f वस्तु टू m द्रव्यमान की वस्तु को f बल लगा के यहां से यहां तक खींच के लाऊंगा, एक ही समय में आएगा कि अलग अलग समय में आएगा? तो 2m द्रव्यमान के मास को खींच के लाना थोड़ा मुश्किल हो, m द्रव्यमान के मास को खींच के लाना थोड़ा आसान हो। तो ऑब्वियस सी बात है कि अलग अलग समय लगेगा, वस्तु का द्रव्यमान भी अलग अलग है। लेकिन अगर इस स्थिति में कार्य है w1 और यहां पे कार्य है w2, तो बेटा w1 बराबर w2। ओहो, ये सर कैसे हो गया? हाय हाय हाय, कैसे सर? तो ऐसा कि अगर मुझे किसी वस्तु पे बल दिया हुआ है और उसका विस्थापन s हुआ है, तो मुझे इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि कितनी देर में हुआ है। फील करने की कोशिश करो। मैं ये नहीं कह रहा कि कार्य समय पे निर्भर कभी करेगा ही। मैंने क्या लिखा है? यदि बल और विस्थापन दिया है। अच्छा, यदि बल ही समय पे निर्भर कर रहा है तो कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, और बल ही परिवर्तित है समय के सापेक्ष में, तो कार्य तो समय पर निर्भर कर जाएगा। लेकिन ये बात है कि यदि बल दिया हुआ F है, नियत बल F, अब वो F बल दुनिया के किसी भी वस्तु पे, चूहे पे या हाथी पे लगा के उसका विस्थापन S यदि कराया जाता है, तो दोनों पे कार्य सेम होगा। ये कार्य का मीनिंग बोला था ना, कार्य थोड़ा सा अलग होगा डेली लाइफ का जो कार्य होता है उसकी तुलना। समझ आया कि नहीं? बोलो, आया समझ? चलो ठीक है, स्क्रीन पॉज करके सुन। अब नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट बात, ये जब अपन कार्य लिखते हैं F इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, यहां पे F क्या है? सर बल, बहुत बढ़िया। S क्या है? सर विस्थापन, बहुत बढ़िया। और थीटा क्या है? बल तथा विस्थापन के बीच का कोण, बल तथा विस्थापन के बीच का कोण। ये किसका विस्थापन है? इस वस्तु का विस्थापन है क्या? विस्थापन लिख रहे हो तो किसी चीज का होगा ना, वस्तु का है क्या? नहीं सर, वस्तु का नहीं है, बल का है क्या? वस्तु का नहीं है तो दो ही चीज है, बल और बस, बल और विस्थापन है, वस्तु है जिसपे बल लग रहा है। तो अगर वस्तु का विस्थापन नहीं है तो बल का विस्थापन होगा, बल का विस्थापन होगा ना? बल का विस्थापन नहीं है तो किसका विस्थापन है? या का है
या उस बिंदु का विस्थापन है, बिंदु का विस्थापन है जहां बल लग रहा है। ये उस बिंदु का विस्थापन है साहब जहां जिस बिंदु पर बल लग रहा है, मतलब इसको ऐसे बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ फोर्स, जिस बिंदु पर बल लग रहा है उस बिंदु का विस्थापन है, वस्तु का विस्थापन है। सर नहीं है, समझ, बिंदु का विस्थापन है वस्तु का नहीं है, तो बिंदु है कहां, वस्तु में ही तो है, तो फिर खेल रहे हो सर, इधर देखो, खेल नहीं रहा हो बेटा, अभी तो ऑनलाइन कोचिंग चल रहा है तुम्हारा कोरोना वायरस के चक्कर में। कोरोना वायरस अगर खत्म हुआ तो उम्मीद करते हैं कि हमारा मिलन होगा। जब हमारा मिलन होगा कोचिंग में तुम आओगे, तो कोचिंग में साहब दो तरह का लिफ्ट, सॉरी कोचिंग में लिफ्ट लगा है और वो बच्चों के लिए नहीं है, वो मास्टर चलता है लिफ्ट में बस। और जब मास्टर लिफ्ट में जाता है तो मास्टर बड़ा खुशी खुशी जैसे लिफ्ट से जाया जाता है। अब मान लो किसी दिन तुम्हें मौका मिल गया लिफ्ट से, तो वैसे तुम इस सीढ़ियों से जाते थे रोज, ये तो नाइंसाफी है सर। हाँ तो बच्चे हो तुम्हें भी सीढ़ियों पे चढ़ो, तभी तो शरीर मजबूत होगा। तो किसी दिन तुम्हें लिफ्ट में जाने का मौका मिला, तुम लिफ्ट के अंदर चले गए, बहुत खुश हुए, आज हमें लिफ्ट देखने का मौका मिला, गांव में जाके बताना कि बिना चले चौथी मंजिल पे पहुंच जाते हैं लिफ्ट से, है ना, चलना चलने की जरूरत नहीं है, जाके खड़े हो जाओ, एक डब्बा सा होता है, अपने गांव में जाए कहानी सुनाओगे ना कि हम वहां गए थे कोटा, तो वहां पे एक डब्बा था, उसमें तुम चले जाओ ना तो चौथी मंजिल पे पहुंचा देता है, वाह भाई। और तुम पहली बार लिफ्ट देखे बहुत खुश हुए और तुम फोर्थ फ्लोर पे आ गए। अब साहब वही तुम रोज इस लिफ्ट से जाते थे कोचिंग, तो आते थे खुश होके, जैसे तुम फोर्थ फ्लोर तक यहाँ पे मान लो पहुंच गए, तो ये हालत हो जाता था तेरा फोर्थ फ्लोर पे पैदल चलते चलते। अब यहाँ पे सवाल ये है कि दोनों ही स्थितियों में कौन सी दोनों स्थिति, लिफ्ट में और सीढ़ी में, मतलब ऐसे बोल देता हूँ, लिफ्ट तो तुम्हें दिख ही रहा है, ए लिफ्ट है और बी सीढ़ी है, अविलंब बल द्वारा कार्य बताए। सवाल ये है, ये डायग्राम यहां बनाए इंटेलिजेंटली लिख लेना, ये दोनों अलग चीजें अलग है। दोनों ही स्थितियों में अविलंब बल द्वारा वस्तु पर कार्य बताए। दोनों स्थितियों में अविलंब बल द्वारा वस्तु पर कार्य बताए। किसका द्वारा? अविलंब बल द्वारा। आपसे पूछ रहा है अविलंब बल द्वारा कार्य बताए जब आप लिफ्ट से जा रहे हो, अविलंब बल द्वारा कार्य बताए जब आप सीढ़ी से चल के जा रहे हो। और ये आपको जीरो और नॉन जीरो बताना है बस, और कोई खास बात नहीं है। तो देखो, जब तुम सीढ़ियों से चल के जाते हो तो तुम खुश के खुशी रहते हो, सीढ़ी से चल के जाते हो तो दुखी हो जाते हो, तो दोनों में कुछ फर्क तो होगा। और क्या फर्क है, असल में समझना, जब तुम लिफ्ट से जाते हो ना साहब, जो लिफ्ट में खड़े हो जाते, लिफ्ट का जो सरफेस है तुम्हारे पैरों पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगाता है। मान लो कि मैं हूं, ये मेरा पैर है, इस पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, ये देखो ये नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन है, ऊपर लग रहा है। जैसे जैसे लिफ्ट ऊपर जाती है, लिफ्ट ऊपर जाती है तो नॉर्मल ऊपर लग रहा होता है, तो जिस बिंदु पे नॉर्मल लग रहा है वो नॉर्मल की वैल्यू n, और जहां पे नॉर्मल लग रहा है वो बिंदु डिस्प्लेस करके ऊपर गया, तो कुछ ना कुछ कार्य होगा। किस स्थिति में? a में, लिफ्ट से कार्य नॉट इक्वल टू जीरो, कुछ ना कुछ होगा। लेकिन जब सीढ़ी से चल के जाओगे तो तुम पर नॉर्मल ने वर्क नहीं किया, नॉर्मल कौन लगा रहा है, कॉन्टैक्ट सर्फेस, नॉर्मल ने वर्क नहीं किया, तो सर हम पहुंचे कैसे यहाँ पे? तुमको ऊपर पहुंचाने में किसने कार्य किया? नॉर्मल ने, तुमने कुछ नहीं किया, तो इसलिए तुम बहुत खुश रहते हो। यहाँ पे कार्य किसने कर दिया, क्यों इतने थक गए? तो तुमने खुद कार्य किया है। सर हम कैसे कार्य कर रहे हैं? तो तुम्हारा जो सेंटर ऑफ मास है, इस सेंटर ऑफ मास में mg नीचे लग रहा होता, और तुम अपने सेंटर ऑफ मास को मस्कुलर फोर्स द्वारा उठा उठा के यहां से यहां तक ला रहे हो, तो तुम थक गए, ये कार्य तुमने किया। यहां पे नॉर्मल द्वारा कार्य जीरो हो जाएगा। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि नॉर्मल द्वारा कार्य जीरो कैसे हुआ, तो इसको समझो एकदम बढ़िया से समझो। मान लो ये सीढ़ी है, तुम्हें दिख रहा है ये सीढ़ी है, मान लो ये देखो ये है और ये सीढ़ी है, और मेरा ये दो पैर है, मैं ये दो पैर से खड़ा हूं, दोनों पैर पे कॉन्टैक्ट है तो नॉर्मल लग रहा होगा,
दोनों पैर पे नॉर्मल लग रहा होगा, जैसे मैं सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करूंगा तो एक पैर उठा लूंगा, तो जैसे ही मैंने पैर उठाया तो नॉर्मल तो लग ही नहीं रहा, संपर्क तो है नहीं, नॉर्मल तो इस पॉइंट कॉन्टैक्ट पे लग रहा है, मतलब वो पॉइंट जहां पे नॉर्मल लग रहा था वो पॉइंट फिर होगा, अब नॉर्मल वहां पे नहीं लग रहा, या फिर नॉर्मल लग ही नहीं रहा, नॉर्मल यहां पे लग रहा है वो फिक्स है, उसको मैंने यहां पे रख दिया, तो जब मैंने रखा तो नॉर्मल लगा, लेकिन जब ये डिस्प्लेस कर रहा था तो इस पॉइंट पे नॉर्मल नहीं लग रहा था। तो हम वक्त देखते हैं कि कितना फोर्स लगा और जहां पे फोर्स लग रहा था उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो अभी दोनों पे फोर्स लग रहा है, एक पैर उठा लिया, अभी इस पे नहीं लग रहा है, जिस पे लग रहा है तो नीचे ही है, जिस पे नहीं लग रहा उसको ऊपर रख दिया, और जब ये ऊपर हवा में जा रहा था तब उस पे फोर्स लग ही नहीं रहा था, ऊपर वाले स्ट्रेस पे रख दिया तो अब लग रहा है, अब डिस्प्लेस नहीं कर रहा। अब ये पीछे वाला पैर उठा लिया, पीछे वाले पे नॉर्मल नहीं लग रहा, यहां पे रख दिया, फिर मैं ऊपर रखता हूं तो लगातार जिस पैर को हवा में उठा रहा हूं वहां पे नॉर्मल लग ही नहीं रहा, और फिर उसी को डिस्प्लेस कर रहा हूं। समझ में आया कि नहीं आया? तो सीढ़ियों से जब चल के जाते हैं तो नॉर्मल द्वारा कार्य हमारे हमारे बॉडी पे क्या हो जाता है, जीरो, लेकिन स्ट्रेस से चल के जाते हैं तो नॉर्मल ही हम पे काम करता है, नॉर्मल ही हम पे काम करता है, नॉर्मल ही हम पे काम करता है। तो ये बात आपको बहुत अच्छे समझ में आया। जैसे मान लो कूली होता है, तो कई बार ऐसे सवाल पूछते हैं कि कूली कि अभिलंब बल द्वारा, ये मान लो कूली हूं मैं, यहाँ पे वस्तु रख लिया, तो सर बड़ा वस्तु रखो सर, मान ले वस्तु रख लिया, अब तुमसे सवाल पूछेगा कूली ने वस्तु पे कौन सा फोर्स लगाया, अभिलंब बल लगाया है। तो इस अभिलंब बल द्वारा कार्य बताओ, जब कूली सामान रख के आगे पीछे चल रहा होता है, जब कूली सामान रख के आगे पीछे चल रहा होता है तो इसके नॉर्मल द्वारा कार्य जीरो हो जाता है। क्यों? देखो नॉर्मल कहाँ लग रहा है बोलो, ऊपर। नॉर्मल कहाँ लग रहा है बोलो, अबे नॉर्मल संपर्क मेरा टकला कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, उसमें वस्तु रख दूंगा तो नॉर्मल कहां लगेगा, अरे ये सरफेस कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, यहां पे वस्तु रख दूंगा नॉर्मल कहां लगेगा, ऊपर। नॉर्मल ऊपर लग रहा है, कूली आगे चल रहा है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, कूली आगे चल रहा है, तो इस वस्तु पॉइंट का जहां पे नॉर्मल लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ है, एक्स में, नॉर्मल कहां लग रहा है, वाई में, तो दोनों लंबवत हो गए, तो कार्य कितना होगा, जीरो होगा। कार्य कितना होगा बोलो, जीरो होगा। समझ में आया कि नहीं आया बताओ ये बात? तो अपन क्या कर देखते हैं कि कहां पे बल लग रहा है, और जिस बिंदु पे बल लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट बल की दिशा में हुआ है कि नहीं। अगर उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बल के लंबवत हो रहा है तो वह जीरो हो जाएगा। मान लो ये मैं पेन रख लिया और पेन रख के मैं चल रहा हूं, तो मैंने संपर्क के वजह से नॉर्मल पेन पे ऊपर फोर्स लगाया है, उस नॉर्मल द्वारा कार्य बताओ, जीरो होगा। जीरो होगा सर, जीरो होगा, कार्य जीरो होगा। समझ आया कि नहीं आया? स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए ढंग से, बहुत इंपॉर्टेंट और बढ़िया पॉइंट बताया। अब आगे देखिए, आपने बहुत सारे भौतिक राशि पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है बताइए, समय पढ़ा है क्या? समय, हाँ सर समय, समय खराब चल रहा है आजकल। अच्छा दूरी पढ़ा है क्या? हाँ सर दूरी पढ़ा है। ओहो हो, चाल पढ़ा है क्या? हाँ सर चाल भी पढ़ा है। अच्छा द्रव्यमान पढ़ा है क्या? हाँ सर द्रव्यमान पढ़ा है। ये जितने भी भौतिक राशि मैंने लिखे हैं ये सदिश है या अदिश है? सदिश है या अदिश है बोलो? ये सारे के सारे अदिश है, बिल्कुल आपको पता है ये सारे के सारे अदिश है, अदिश भौतिक राशि है सर। क्या ये निगेटिव हो सकते हैं? नहीं, समय हमेशा धनात्मक होता है, दूरी हमेशा धनात्मक होता है, चाल हमेशा धनात्मक होता है, चाल हमेशा धनात्मक होता है, द्रव्यमान हमेशा धनात्मक होता है। तेरा द्रव्यमान माइनस 50 किलो तो नहीं है, प्लस 50 किलो ही होगा। हाँ सर, तो ये हमेशा हमेशा लिखा ये पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं हो सकता। नेगेटिव नहीं हो सकता, ये ऋणात्मक नहीं हो सकता, हमेशा कैसा होगा? धनात्मक होगा। क्लियर? ठीक है सर। अब मैं यहाँ पे अगर दो, अच्छा ऋणात्मक नहीं होगा, ऋणात्मक नहीं होगा, हमेशा धनात्मक होगा, ठीक। अगर मैं कुछ ऐसे भौतिक राशि की बात करूं जैसा कि वेग, विस्थापन, बल, ये सारे भौतिक राशि कैसे? ये सारे सर सदिश पॉजिटिव या निगेटिव हो सकते हैं। ये सदिश कैसे हैं? क्योंकि इसके पास दिशा है। अच्छा, और ये अदिश क्यों है? क्योंकि इनके पास दिशा नहीं है। समय के पास कोई दिशा नहीं होता, दूरी के पास कोई दिशा नहीं है, चाल के पास कोई दिशा नहीं है, द्रव्यमान के पास कोई दिशा नहीं है, इसीलिए निगेटिव नहीं हो सकते, हमेशा पॉजिटिव है ना। लेकिन वेग के पास दिशा है। अगर मान लो कोई किसी वस्तु का वेग माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, किसी वस्तु का वेग प्लस 10 मीटर पर सेकंड, किसका वेग ज्यादा है? प्लस 10 मीटर पर सेकंड ज्यादा हो गया, माइनस 10 मीटर पर सेकंड कम हो गया? नहीं, दोनों का वेग बराबर है। दोनों का वेग क्या है? बराबर है। तो फिर प्लस माइनस क्या बताता है? ज्यादा कम को ना, प्लस माइनस ज्यादा कम को नहीं बताता, प्लस माइनस, प्लस या माइनस दिशा को बताता है।
दिशा को बताता है। किसको बताता है? दिशा को। और ये अदिश सदिश भौतिक राशि, इसके पास दिशा है इसलिए प्लस है माइनस हो सकते हैं। ये अदिश भौतिक राशि है, इसके पास दिशा नहीं है इसलिए हमेशा प्लस होते हैं। ये कंक्लूजन निकला। तो असल में दुनिया में जितने भी अदिश भौतिक राशि होंगे उसके पास दिशा नहीं होगा, तो उसका पॉजिटिव निगेटिव होने का कोई सेंस नहीं। जितने भी सदिश भौतिक राशि होते हैं उनके पास दिशा होता है, और इसलिए वो पॉजिटिव निगेटिव होते हैं, और पॉजिटिव निगेटिव होना असल में दिशा को बताता है। अब कार्य तूने क्या पढ़ा है, वो सदिश है कि अदिश है? सर अदिश है। क्यों? क्योंकि एफ और विस्थापन का डॉट प्रोडक्ट है। इसके पास दिशा होगा क्या? नहीं, दिशा नहीं होगा। कार्य के पास कोई दिशा नहीं है, दिशाहीन, दिशाहीन है कार्य। कार्य के पास परिमाण होता है, दिशा नहीं होता। अच्छा, तो इसका मतलब ये हमेशा पॉजिटिव होगा? नहीं, पॉजिटिव निगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। अब मैं इस बात से आश्चर्यचकित या अतंबित नहीं हूं कि पॉजिटिव निगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है। मैं ये सोच में पड़ गया जब पहली बार मैं पढ़ा होगा या पढ़ा था, यार अदिश भौतिक राशि में दिशा नहीं होता इसलिए हमेशा पॉजिटिव होता है। सदिश भौतिक राशि में दिशा होता है इसलिए वो पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव होना दिशा होता है। ये तो साफ अदिश है। अब दिशा के नाम पे इसके पास कुछ है नहीं, दिशा नहीं होता। जब दिशा होता ही नहीं तो पॉजिटिव निगेटिव होना किस बात को बताएगा? है ना मजेदार सवाल। तो देखो असल में क्या है कि मान लो ये एम द्रव्यमान का वस्तु है, वस्तु का विस्थापन इधर हो रहा है और बल इधर लग रहा है थीटा, जो कि 90 से कम है। ठीक है सर। मान लो एक दूसरा केस लेते हैं, ये है एम द्रव्यमान का वस्तु, बल ऊपर लग रहा है, वस्तु का विस्थापन इधर हो रहा है, एग्जैक्टली थीटा 90 डिग्री। अच्छा एक तीसरा केस ले लेते हैं, तीसरा केस में ये वस्तु एम द्रव्यमान है, इसका विस्थापन इधर हो रहा है, बल इधर लग रहा है, ये जो कोण है वो 90 डिग्री से ज्यादा है। अब अगर ढंग से देखा जाए, क्या देखोगे ढंग से, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये कार्य पॉजिटिव है, क्योंकि अगर थीटा 90 से कम होता है और कार्य लिखोगे एफ कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आती है, तो 0 से 90 तक अगर थीटा होगा तो वाले कार्य पॉजिटिव होगा। यहाँ पे कार्य हो जाएगा 0 और यहाँ पे कार्य हो जाएगा निगेटिव, क्योंकि जैसे ही थीटा 90 से ज्यादा होता ही कॉस थीटा की वैल्यू निगेटिव हो जाती है। कॉस थीटा की वैल्यू निगेटिव, तो एफ एस और कॉस 90 से ज्यादा मतलब निगेटिव हुआ। तो ये बात तो ये एक्सप्लेन कर रहा है कि पॉजिटिव वर्क कब होगा, निगेटिव वर्क सॉरी जीरो वर्क कब होगा और निगेटिव वर्क कब होगा। लेकिन पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क और जीरो वर्क का सिग्निफिकेंस क्या होगा ये तो अभी भी नहीं समझ आया। एक्चुअल में पॉजिटिव वर्क, जीरो वर्क और निगेटिव वर्क जब होता है तो वो किस चीज को समझाने की कोशिश करता है? पॉजिटिव वर्क का मतलब क्या है? पॉजिटिव वर्क कब होगा? जब थीटा 90 से कम होगा। निगेटिव वर्क कब होगा? जब थीटा 90 से ज्यादा होगा। थीटा अगर एग्जैक्टली 90 होगा तो जीरो वर्क होगा। लेकिन यार पॉजिटिव निगेटिव वर्क का मतलब क्या है, क्योंकि वर्क तो के पास दिशा होता नहीं है। मैंने -10 जूल वर्क किया, +10 जूल वर्क किया, तो वर्क 10 जूल +10 जूल ज्यादा होगा क्या? नहीं। -10 जूल वर्क और +10 जूल वर्क का परिमाण सेम है। मेरी बात को अगर फील कर पा रहे हो तो सोचना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। किताबों में या मास्टर्स बस ये बोल के निकल जाता है पॉजिटिव निगेटिव जीरो होता है, बात करता हूं। तुम्हें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और ये कितना आश्चर्य की बात है। यहाँ से लिंक करके अगर समझ पा रहे हो तो, अगर यहाँ पे वर्क देखा जाए तो कैसा हुआ, कैसा, ठीक है? तो फिर से समझो कि अगर थीटा 90 से कम है तो वर्क पॉजिटिव, थीटा 90 के बराबर तो वर्क जीरो, थीटा 90 से ज्यादा है तो वर्क निगेटिव। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा समझाऊंगा, पहले ये लिख लो, पहले लिखो। अब सुनो, अब मैं इसका सिग्निफिकेंस समझाता हूँ। क्या समझाता हूँ बेटा? सिग्निफिकेंस देखो, अगर थीटा 0 है या 0 से बड़ा है लेकिन 90 से कम है, अगर थीटा 90 डिग्री है, अगर थीटा 90 डिग्री से बड़ा 180 डिग्री से छोटा है, है ना, 180 डिग्री से छोटा है, तो यहां पे जो कार्य होगा वो होगा पॉजिटिव, ठीक है? यहां पे जो कार्य होगा वो होगा 0, यहां पे जो कार्य होगा वो होगा निगेटिव। तो पॉजिटिव कार्य का असल में भौतिक मतलब होता है कि पॉजिटिव वर्क जब कोई फोर्स करता है तो उसमें एनर्जी इंजेक्ट करता है, अंदर घुसाता है एनर्जी। उस स्थिति में वस्तु की चाल या काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर गतिज ऊर्जा और चाल नियत रहेगी, अगर उसने वर्क जीरो किया है तो किसी वस्तु का गतिज ऊर्जा और चाल नियत रहता है, लेकिन किसी वस्तु का गतिज ऊर्जा चाल घट जाएगा यदि उस पर निगेटिव वर्क है।
तो पॉजिटिव वर्क का मतलब है कि पॉजिटिव वर्क करके मैं किसी में एनर्जी दे रहा हूँ, निगेटिव वर्क कर रहा हूँ तो उसमें से एनर्जी निकाल रहा हूँ, ये उसका सिग्निफिकेंस हो गया। और इसका डायरेक्ट यूज करते हो, किसी यूज कर सकते हो, किसी वस्तु का गति जो है बढ़ रहा है, तुम कह सकते हो इस पे कार्य पॉजिटिव हुआ होगा। ना तो तुम्हें फोर्स पता, ना ही तुम्हें डिस्प्लेसमेंट पता, ना ही फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कौन पता है, लेकिन तुम कह सकते हो कि कार्य पॉजिटिव हुआ है, डायरेक्ट सिग्निफिकेंस हो गया। अगर किसी वस्तु का गति जो है नियत है तो तुम कह सकते हो कि कार्य जीरो है। यदि किसी वस्तु का गति जो है कम हो रहा है, उसमें से एनर्जी लॉस हो रहा है, तो कह सकते हो कि पक्का किसी ने इसका काम कर दिया है, पक्का किसी ने इस पे काम कर दिया है और उल्टा ही काम किया, एनर्जी निकाल के फरार हो गया है ना। तो किसी का अगर एनर्जी कम हो गया होगा ना, तो समझ लेना कि उसका काम हो गया है, और किसी का बढ़ा हुआ एनर्जी देखेगा दिखे ना, तो समझ लेना कि उस पर किसी ने काम कर दिया है पॉजिटिव, और किसी का एनर्जी कम हो जाए ना, तो समझ लेना उस पर किसी ने काम कर दिया है निगेटिव। क्लियर है ना। स्क्रीन पॉज करके अच्छे से लिखिए इसको, फिर आगे देखते हैं। देखिए बच्चे, अब वर्क को तो हमने फिजिकली, न्यूमेरिकली और फॉर्मूला, इन सब पे बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया, उसके कंसेप्ट को अच्छे से समझा है। अब उसमें बस थोड़े छोटे छोटे न्यूमेरिकल करते हैं, फिर अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है ना। चलो, छोटे न्यूमेरिकल। छोटे न्यूमेरिकल क्या होते हैं सर? छोटे न्यूमेरिकल कैसे होते हैं? देखो, जैसे मैं अगर तुमसे बोलूं कि यदि, अरे भाई हटाओ इसको, हटाओ भाई हटाओ, यदि किसी वस्तु पर बल लग रहा है F=3i कैप + 4j कैप + 5k कैप, तो वस्तु पर बल द्वारा, इसी बल द्वारा, वेक्टर फॉर्म में दिया ना। अच्छा, बल नियत है या परिवर्तित है? तो देखो, बल नियत या परिवर्तित कैसे देखेंगे? उसके परिमाण से। इसका परिमाण है एक्स एक्सिस में 3i कैप, वाई एक्सिस में 3j कैप और जेड एक्सिस में 5k कैप। तो एक तो नियत परिमाण का बल हो गया। हाँ सर, बिल्कुल नियत परिमाण का बल है। तो इसका जब अपन कार्य निकालेंगे तो नियत बल, बल द्वारा कार्य का जो फॉर्मूला अभी पढ़ा है वही लगाएंगे। कार्य द्वारा बल, वस्तु पर बल द्वारा कार्य बताए, यदि वस्तु का विस्थापन, विस्थापन भी दिया हुआ है, विस्थापन 3i कैप + 4k कैप। तो ये तो एकदम बेसिक और आसान सवाल है। कैसे? क्योंकि कार्य बराबर होता है F.S, बिल्कुल होता है, कार्य इज इक्वल टू F.S। तो F तो हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है F बोलो, F दिया हुआ है 3i कैप + 4j कैप + 5k कैप, और ये आपका विस्थापन, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो तो ये हो जाएगा 3i कैप + 4k कैप। डॉट प्रोडक्ट लोगे तो 3i कैप 3i कैप, तो ये हो गया 9, प्लस i का k के साथ डॉट हो जाएगा 0, j का i के साथ हो जाएगा 0, j का k के साथ हो जाएगा 0, k का k के साथ हो जाएगा 1, तो 5 चौक 20 और 9 29, 29 जूल इज अ करेक्ट आंसर, 29 जूल इज अ करेक्ट आंसर। ये है, एकदम आसान है कि नहीं है बताओ? बहुत आसान है सर, बहुत आसान है सर। अच्छा, आगे ये बहुत फेमस सवाल है कार्य का, m द्रव्यमान का एक वस्तु है, इस पे बल लगाते हैं अपन F, यदि ये थीटा एंगल से विस्थापित कर दिया मैंने, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बल लगा के, बल किधर लगा रहा हूं मैं? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, बल हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा, और इस पे मैंने इसको थीटा एंगल से विस्थापित कर दिया, तो इसी बल द्वारा कार्य बताओ। तो देखो, असल में तुम ध्यान से देखोगे तो वस्तु का विस्थापन तो यहां से यहां तक हुआ है, और वस्तु का विस्थापन नहीं देखते जिस बिंदु पे बल लग रहा है, तो इस बिंदु पे बल लग रहा है, किधर बल लग रहा है? एक्स में, और इसको खींच खींच के यहां ले आया, यहां भी तो एक्स में बल लग रहा है, तो ये विस्थापन हो गया। अब यहां पे ध्यान से सोचे अपन कि विस्थापन तो सही है, लेकिन हमें विस्थापन से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि विस्थापन एक्स वाई प्लेन में, हमें मतलब है इस विस्थापन का एक्स घटक कितना हो, क्योंकि जब हम कार्य निकालेंगे तो एक्स एक्सिस में पूरा बल लग रहा है एफ, तो एक्स एक्सिस का ही विस्थापन लिखेंगे, जिधर का बल उधर ही विस्थापन, क्योंकि बल पूरा का पूरा एक्स में, तो विस्थापन एक्स वाई प्लेन में है, तो विस्थापन का घटक एक्स में देखेंगे, मतलब एक्स एक्सिस का विस्थापन देखेंगे, मतलब वस्तु का वो बिंदु जहां पे बल लग रहा है वो ये है, इसको यहां से यहां ले आया। तुम ये देखो ना, वस्तु तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है ना, यहां ले आया एक ही बात है। अरे पॉइंट ऑब्जेक्ट है भाई, ये इतना बड़ा गोला नहीं है, ये वस्तु। तो हमें क्या करना है कि वस्तु का वो बिंदु जिसमें बल लगा है उसमें एक्स का, एक्स में डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो पहले ये लाइन यहां पे था, अब ये यहां आ गया, तो ये हुआ इसका एक्स का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब ये एक्स का डिस्प्लेसमेंट ये कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से देखो कि मुझे ये दूरी निकालना है, ये अगर इसकी लंबाई एल है तो यहां से जहां वस्तु अटैच है उस रस्सी की लंबाई एल है, तो अपने को ये दूरी निकालना है, तो L का
दो घटक होगा, इस एल का दो घटक होगा, या सिंपल यहां पे साइन थीटा लिख सकते हो, लंब बटा कर्ण। ये तेरा लंब हो गया, देखो ये तेरा लंब हो गया, ये एंगल थीटा है, ये तेरा लंब हो गया, यही एस वाई एस एक्स सॉरी, और ये तेरा कर्ण हो गया। तो एस एक्स बराबर हो जाएगा एल साइन थीटा, तो कार्य बराबर हो जाएगा एफ एल साइन थीटा। ये आपका आंसर आ जाएगा। ढंग से स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए, ढंग से बेटा स्क्रीन पॉज करके अच्छे से लिख लीजिए, क्लियर है? आगे देखिए, आगे देखिए, गुरुत्वीय बल द्वारा कार्य, गुरुत्वीय बल। तो इतनी जल्दी क्या है हमें गुरुत्वीय बल द्वारा कार्य देखने की? इतनी जल्दी इसलिए है कि गुरुत्वीय बल एक नियत बल है, इसका परिमाण mg होता है और दिशा हमेशा नीचे की तरफ होती है, दिशा हमेशा नीचे की तरफ होता है। ये बड़ा आसान कंसेप्ट है। मान लो एक वस्तु है बिंदु, बिंदु ऑब्जेक्ट है, इसको खींच खींच के यहां ले आया, खींच खींच के यहां ले आया, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई s, क्लियर है? और किसी भी स्टैंड पे गुरुत्वीय बल द्वारा मैं कार्य पूछूं, सॉरी यहां से यहां तक मैं गुरुत्वीय बल द्वारा कार्य पूछूं, तो गुरुत्वीय बल लग कहां रहा है? नीचे। यहां पे मान लो इसका द्रव्यमान m था, तो नीचे लग रहा होगा mg। यहां पे अगर वस्तु है उस समय गुरुत्वीय बल नीचे लग रहा होगा mg। यहां पे वस्तु है गुरुत्वीय बल नीचे लग रहा होगा mg। यहां पे वस्तु है गुरुत्वीय बल नीचे लग रहा होगा mg। मतलब इस पे जो गुरुत्वीय बल है वो mg और नीचे की दिशा में लग रहा है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में दिखाऊं तो हमेशा बल नीचे की तरफ लग रहा है और विस्थापन वस्तु का इधर हुआ यस। अगर इन दोनों के बीच में कोण है थीटा का, देखो यहां भी एंगल है थीटा का, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, एंगल है थीटा। तो वर्क का कंसेप्ट क्या होता है बताओ? बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। बल का घटक विस्थापन की तरफ लो और विस्थापन से गुना कर दो, बल का घटक विस्थापन से लो विस्थापन से गुना कर दो, या विस्थापन का घटक बल की तरफ लो और बल से गुना कर दो। तुम किसका घटक लोगे? जिसका लेना आसान होगा, विजुअलाइज करना आसान होगा। अब तुम देख पा रहे हो कि ये है तेरा गुरुत्वीय बल जो वाई में है, तो ये रहने दो ना, गुरुत्वीय बल पूरा का पूरा वाई में। इसका दो घटक आएगा विस्थापन का, ध्यान से देखना। इस विस्थापन का एक घटक नीचे की तरफ होगा तुम्हारा s cos थीटा, और ये विस्थापन का घटक होगा s sin थीटा। अब x एक्सिस में विस्थापन हो रहा है लेकिन बल वाई में, तो इस x एक्सिस के विस्थापन की वजह से कोई कार्य नहीं होगा क्योंकि बल वाई में है, y के बल का x में कोई प्रभाव नहीं है। तो y के बल का y में प्रभाव देखोगे, विस्थापन देखो तो s cos थीटा, तो यहां पे वर्क हो जाएगा y का विस्थापन। बहुत आसानी से आप लिखोगे यहां पे जो कार्य होगा तुम्हारा वो होगा, देखो यहां पे जो कार्य होगा y का बल इंटू y का विस्थापन, y का बल mg और y का विस्थापन s cos थीटा, मतलब ऊर्ध्वाधर विस्थापन लिखना वस्तु का। ये गुरुत्वीय बल द्वारा कार्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, ये गुरुत्वीय बल द्वारा कार्य है। स्क्रीन पॉज करके इसको लिख लीजिए, स्क्रीन पॉज करके लिखिए, ठीक, आगे देखिए साहब, स्क्रीन पॉज करके आपने लिख लिया तो आगे देखिए। ये एंगल है थीटा, और ये एंगल थीटा मान लो 37 डिग्री है, ठीक है ना, और ये 3 मीटर है, ये भी देखिए, ठीक है ना। जब वस्तु ये द्रव्यमान दे देता हूं, जब सब कुछ दिया ही है तो द्रव्यमान भी ले इसका, 5 kg का वस्तु। जब ये 5 kg का वस्तु यहां से यहां पहुंच जाता है, तो ए से बी तक के गति में, ए से बी तक के गति में, ए से जब वो बी तक पहुंचता है तो गुरुत्वीय बल द्वारा कार्य बताए, वस्तु पर गुरुत्वीय बल, मतलब गुरुत्वीय बल जानते हो ना क्या होता है, mg द्वारा कार्य बताए, जब वस्तु a से b तक पहुंच जाए। वस्तु कहां से कहां तक आए? a से b तक आए, तो गुरुत्वीय बल द्वारा कार्य बताए। ध्यान से सुनो, वस्तु यहां से यहां तक आया, तो एक्चुअल में वस्तु का जो विस्थापन हुआ वो ये हुआ है, देखो ये ऐसे हुआ, ये वस्तु का विस्थापन हुआ। और वस्तु पे गुरुत्वाकर्षण बल किसी भी क्षण पे नीचे लग रहा है वाई दिशा। अब तुम्हें वर्क लिखना है तो ज्यादा झंझट नहीं है, फोटो बनाने की भी जरूरत नहीं है। तुम ऐसे सोचो कि वस्तु का विस्थापन एक्स वाई तल में हो रहा है, लेकिन वस्तु पे बल गुरुत्वाकर्षण बल तो सीधा वाई में लग रहा है। तो हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वस्तु का विस्थापन कितना है, हमें इस बात से फर्क पड़ता है कि वस्तु का विस्थापन वाई दिशा में कितना है। तो यहां ध्यान से देखोगे तो ये सब मिटाओ और तुम बस ये देखो, सॉरी ये 3 मीटर नहीं है, गलत दे दिया मैंने, सॉरी
ये 4 मीटर है, चलो ये 4 मीटर दिए हुए ना। तो देखो क्या करोगे तुम, ध्यान से सुनना बेटा अच्छे से। जब गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा कार्य लिखोगे तो गुरुत्वाकर्षण बल की वैल्यू mg इनटू वस्तु का ऊर्ध्वाधर विस्थापन, क्योंकि y में हमेशा बल लग रहा है तो y में कितना विस्थापन हुआ उससे हमें मतलब है। जिधर का बल उधर का ही विस्थापन, तो वस्तु इधर से इधर आया हमें कोई मतलब नहीं। ऊर्ध्वाधर विस्थापन इसका ये सही होगा, यहां से यहां तक इसी दिशा में नीचे किसी भी स्थिति में बल लग रहा होगा तो इसी दिशा का विस्थापन देखेंगे। अब ये कैसे निकाले, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, tan 37 लंब बटा आधार 3/4 3/4 तो tan 37 होता है, वैसे tan थीटा होता है लंब बटा आधार, ये sy और आधार है तेरा 4, या आधार है तेरा 4, तो 4 से 4 कटेगा, sy बराबर 3। तो ये हमने कैलकुलेट करा, एक और कैलकुलेशन का स्टेप यहाँ पे दे दिया है बस। कई बार होता है कि जैसे मैंने ये 3 दिया था तो हमें निकालने की जरूरत नहीं, ये 3 दिया हुआ है, कई बार ये कि ये दिया हुआ है तो हमें इससे मतलब नहीं है, हमें तो इससे मतलब है कि ऊर्ध्वाधर विस्थापन कितना होगा। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू mg इज इक्वल टू, m की वैल्यू बोलो 5, g की वैल्यू बोलो 10 और ऊर्ध्वाधर विस्थापन बोलो 30, 5 × 3 = 15, 150 जूल आंसर आ गया। बस ये समझाना था मुझे, मेन पॉइंट ये समझा कि ऊर्ध्वाधर विस्थापन। स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए, स्क्रीन पॉज करके बेटा लिखिए। चलिए आगे देखिए, कई बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि m द्रव्यमान की वस्तु को मैंने यहाँ से मुक्त किया, ठीक है, ये a चौड़ाई से मुक्त किया है, ये ग्राउंड पे है, और या ऐसा करता हूं मैं एक आनत तल पे वस्तु को यहां से मुक्त कर देता हूं, यहां से वस्तु को मैंने मुक्त किया, ये भी इस ये वस्तु फिसलता हुआ यहां पे पहुंचा, या मैं एक सीढ़ी लेता हूं, क्या लेता हूं, सीढ़ी, और इस वस्तु को यहां से मुक्त कर देता हूं, तो ये वस्तु इस तरीके से पाथ को फॉलो करता हूं, ओहो यहां पहुंचा, या यहां पे एक वस्तु को ऐसे रस्ते से गिरा दूं, तो छोड़ ना ये तू इतना ही से समझ जाएगा। तो असल में तुम देखोगे तो इसका विस्थापन h हुआ है, h विस्थापन हुआ इसका, तो इसमें पहले a स्थिति दे देता हूं, मतलब a कंडीशन दे देता हूं, इसमें गुरुत्वाकर्षण द्वारा बल द्वारा जो कार्य होगा mg into h होगा, नीचे इस पे बल mg और ऊर्ध्वाधर विस्थापन इसका h, और इसको भी मैंने h ऊंचाई से छोड़ा है लेकिन ये सीधे नहीं आ रहा, इसका एक्चुअल में विस्थापन इधर हुआ है, लेकिन हमें किसी भी विस्थापन से नहीं मतलब है। हम जब गुरुत्वाकर्षण द्वारा कार्य निकालेंगे बी स्थिति में तो वो होगा mg इंटू इसका ऊर्ध्वाधर विस्थापन, और ये तो सीढ़ियों से चल के आ रहा है साहब, तो हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता वो कितना आगे कर चला गया, हमें इस बात से बस फर्क पड़ता है नीचे कितना आया या ऊपर कितना आया। यहाँ पे सी केस में ऊर्ध्वाधर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा कार्य हो जाएगा mg इंटू h, तो हमें जो कंक्लूजन मिला है वो ये मिला है, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा कार्य ए में बी में और सी स्थिति में सेम होगा, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा कार्य सेम होगा, क्यों होगा सेम, ये अच्छे से आप समझ चुके हैं, इसको लिखिए, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा कार्य तीनों स्थिति में एक समान होगा, क्लियर बेटा, चल लिख लेंगे आगे। अब कई ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे ये हो गया, ये सवाल देखो, ये बेटा फोर्स है और ये एस है, यहाँ पे ग्राफ बना दिया, कैसा ग्राफ बना है देखो, ऐसा ऐसा ही ग्राफ बना, सिंपल बस ये 5-10 मीटर में है विस्थापन है, ये क्या है एस मीटर में, और ये है तुम्हारा बल, ये है तुम्हारा 8 न्यूटन का, तो वस्तु द्वारा कार्य होता है, ये ग्राफ हो सकता है कि थोड़ा सा जिगजैग में भी बना दे। तो एक बात बताओ, किसी भी वस्तु जो सॉरी किसी भी ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या बताता है, तो सर क्षेत्रफल किसी भी ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है वो इंटीग्रेशन से निकालते हैं, और किसी भी ग्राफ का जो ढाल होता है वो अवकलन से निकालते हैं, अवकलन का ग्राफिकल मीनिंग होता है ढाल, और समाकलन का ग्राफिकल मीनिंग होता है क्षेत्रफल, मतलब अगर मैं इसका समाकलन कर दूं किसका, y पे जो भौतिक राशि रखा है उसका x के सापेक्ष, y पे कौन सा भौतिक राशि f, और उसका x के सापेक्ष मतलब इसका विस्थापन के सापेक्ष समाकलन कर दूं ds, f डॉट ds मतलब बल इंटू विस्थापन, ये क्या हो जाएगा कार्य, ये क्या हो जाएगा कार्य। तो किसी भी f बल तथा विस्थापन ग्राफ का जो क्षेत्रफल होगा वो तो किसको बताएगा, कार्य को सीधा, तो कार्य कैसे निकालेंगे, इस ग्राफ का क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो ये आप देख पा रहे हैं ट्रायंगुलर है, 5 है और ये 8 है,
इसका क्षेत्रफल होगा हाफ इंटू पांच गुना आठ प्लस इस ये है तुम्हारा रेक्टेंगुलर ऊंचाई आठ और पांच से दस के बीच में ये पांच आठ गुना पांच आठ पच्चीस चालीस और पांचों बीस साठ जूल आपका कार्य आ जाएगा। कितना कार्य आ जाएगा? साठ जूल। क्लियर है ये बात? स्क्रीन पॉज करके यहां तक लिखिए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट लेक्चर में वर्क के सवाल और बहुत सारे करेंगे।